बात जब बसें और बड़े ट्रकों की आती है तो जुबान पर एक ही नाम आता है, अशोक लेलैंड। जितना बड़ा इस कंपनी का साम्राज्य है, उतना ही दिलचस्प है इसका सफरनामा। आज भारतीय सड़क पर दौड़ने वाले लगभग हर 5 में से 4 वाहन अशोक लेलैंड की होती है। हमारे भारतीय सेना में भी अशोक लेलैंड के ट्रकों का इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि अशोक लेलैंड को भारत की सबसे बड़ी व्हीकल निर्माता कंपनी भी माना जाता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए इस कंपनी को लंबा सफर तय करना पड़ा। एक मोटर वर्कशॉप चलाने वाले शख्स ने अपने मेहनत के दम पर इस कंपनी को खड़ा किया। इतना ही नहीं, भारत का पहला ट्रक और डबल डेकर बस भी इसी कंपनी का देन है। यह कहानी केवल एक कंपनी और उसकी सफलता की नहीं है, बल्कि इसके साथ ही यह कहानी एक स्वतंत्रता सेनानी की भी है, जिसने अपने बिजनेस की शुरुआत निजी फायदे से ज्यादा देश के विकास के लिए की। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो देश के सामने आर्थिक रूप से मजबूत बनना सबसे बड़ी चुनौती थी। इस चुनौती से निपटने का एक ही तरीका था, और वो था भारत अमीर आधुनिक उद्योग में आगे बढ़े। 1948 में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंजाब के एक स्वतंत्रता सेनानी से ये कहा कि वह आधुनिक उद्योग में निवेश करे, और उन्होंने पंडित नेहरू जी की बात पर अमल किया। उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम था रघुनंदन सरन। रघुनंदन सरन जी आज़ादी से पहले रावलपिंड के निवासी थे। वह इसी शहर में अपने पिता की गाड़ियों की वर्कशॉप चलाया करते थे। उस समय उनके पिता शहर के जाने माने रईसों में गिने जाते थे। पिता की रईसी के कारण लोगों के बीच रघुनंदन का भी मान सम्मान था, लेकिन वह ऐसे लोगों में से नहीं थे जो पिता के कारण मिले मान सम्मान से खुश हो जाते। उन्हें अपने दम पर कुछ करना था, अलग पहचान बनानी थी। ऐसे में आज़ादी के बाद उनके पास मौका भी था। बाद में पंजाब आ बसे रघुनंदन सरन जी ने 1948 में खुद के दम पर कुछ नया शुरू करने का फैसला किया, और अपने इकलौते बेटे अशोक के नाम से आधुनिक उद्योग में कदम रखा। उन्होंने वाहन को अपना क्षेत्र चुना और शुरू की अशोक मोटर्स नामक कंपनी। जी हाँ, अशोक लेलैंड का शुरुआती नाम अशोक मोटर्स ही था। चेन्नई में बने अपने पहले मुख्यालय से इस कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर आस्टिन कंपनी के A40 कार का स्वदेशी तकनीक से निर्माण शुरू किया। रघुनंदन जी भारत में आस्टिन की कारों की मैन्युफैक्चरिंग और असेंबल करना शुरू किया। सन 1949 में पहली बार तमिलनाडु स्थित अशोक मोटर्स की फैक्ट्री में आस्टिन A40 कार का पूर्ण स्वदेशी तकनीक से निर्माण किया गया। इसके बाद अशोक मोटर्स ने ब्रिटिश कंपनी लेलैंड के साथ एक एग्रीमेंट किया। उसके बाद अशोक मोटर्स का नया नाम हुआ अशोक लेलैंड। रघुनंदन सरन जी ने लेलैंड मोटर्स के साथ पार्टनरशिप इसलिए की ताकि वह इस कंपनी के साथ मिलकर भारत में भी कमर्शियल व्हीकल का निर्माण कर सके। इस काम को पूरा करने में रघुनंदन सरन जी को मद्रास सरकार की मदद मिली और लोगों के साथ मिलकर पैसा जुटाया गया। अशोक मोटर्स और लेलैंड कंपनी के बीच कई समझौता तो हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से रघुनंदन सरन जी इस शानदार पहल को देख नहीं पाए। इससे पहले ही 1953 में रघुनंदन सरन जी एक एयर क्रैश दुर्घटना में इस दुनिया से चल बसे। उनके देहांत के बाद से कंपनी की बागडोर या जिम्मेदारी मद्रास राज्य सरकार और कंपनी के कुछ अन्य शेयरधारकों के हाथ आ गई। उनके मौत के बाद अशोक मोटर्स और लेलैंड के बीच हुए समझौते की डील को फाइनल किया मद्रास सरकार और अन्य शेयर होल्डर्स ने। आखिरकार 1954 में इंग्लैंड की लेलैंड मोटर्स और भारत की अशोक मोटर्स पार्टनरशिप में आ गई, और कंपनी का नाम अशोक मोटर्स से बदलकर अशोक लेलैंड रख दिया गया। अब कंपनी ने पैसेंजर व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग छोड़ कमर्शियल व्हीकल बनाने पर अपना पूरा ध्यान लगा दिया। इसके साथ ही कंपनी ने देश का पहला ट्रक बनाया। इन्हें तमिलनाडु में स्थित कंपनी के एक प्लांट में पहला ट्रक कमेट 350 ट्रक का निर्माण किया गया, और इसे मैंगलोर के एक टाइल फैक्ट्री को बेचा गया। 1954 में भारत सरकार ने
कंपनी को सालाना 1000 ट्रक के निर्माण के लिए लाइसेंस प्रदान किया। रघुनंदन सारंग जी तो दुनिया से चल गए, लेकिन उनका बोया हुआ अशोक मोटर्स नामक बीज अशोक लेलैंड के रूप में धीरे धीरे एक बड़े बरगद की शक्ल लेने लगा। इसके बाद कंपनी ने नई उपलब्धि तब हासिल की जब वह भारत में पहली डबल डेकर बस का कॉन्सेप्ट लेकर आई। अशोक लेलैंड ने डबल डेकर बस बनाई और फिर 1967 में पहली बार देश की सड़कों में डबल डेकर बस दौड़ी। उस समय यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के कुछ देशों में ही डबल डेकर बस चलती थी। इस बस का निर्माण स्वदेशी तकनीक से किया गया था। कंपनी ने सन 1969 में ही अपने सभी कमर्शियल वाहनों में पावर स्टीयरिंग लगाना शुरू कर दिया था। तब ये एक बेहद ही एडवांस तकनीक हुआ करती थी। 1970 दशक के दौरान इस कंपनी को सेना के लिए 10,000 आधुनिक ट्रक बनाने का जिम्मा मिला। कंपनी के लिए ये बड़ा काम था, लेकिन इस चुनौती को स्वीकार किया और अशोक लेलैंड ने भारतीय सेना के लिए ऐसे मजबूत ट्रक बनाए जो कि किसी भी परिस्थिति का सामना करने में सक्षम थे। तब से लेकर अब तक यही कंपनी भारतीय सेना के लिए ट्रक बना रही है। 1980 में कंपनी ने तमिलनाडु के हुसूर शहर में अपना एक नया प्लांट लगाया। इस प्लांट में मुख्य रूप से मल्टी टाइप के बस और ट्रकों का निर्माण होने लगा। कंस्ट्रक्शन और लाइट कमर्शियल या हल्का वाहनों के निर्माण क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए कंपनी ने 2011 में अमेरिका की कंपनी जॉन डियर के साथ हाथ मिलाया। एक वर्कशॉप चलाने वाले स्वतंत्र सेनानी द्वारा खड़ी की गई अशोक लेलैंड आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी बस निर्माता कंपनी है। इसके साथ ही वह दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी ट्रक निर्माता कंपनी बन गई है। 51% शेयर के साथ इस कंपनी का मालिकाना हक फिलहाल भारत के हिंदुजा ग्रुप के पास है। हिंदुजा ग्रुप ने 2007 में अशोक लेलैंड कंपनी के मेजॉरिटी शेयर खरीदकर इस कंपनी का मालिकाना हक हासिल किया था। आज अशोक लेलैंड को हिंदुजा ग्रुप का सबसे बड़ा ब्रांड माना जाता है। रघुनंदन सारंग जी चाहते तो अपने पिताजी के कमाए हुए पैसे से रईसी जिंदगी बिता सकते थे, लेकिन वो कहते हैं ना, किसी व्यक्ति की उपलब्धि तब मानी जाती है जब बेटे के नाम से बाप को जाना जाता है, ना कि बाप के नाम से बेटे को, है ना।